Hello friends, I am Nishant Kumar here to discuss about the basic science and engineering drawing. तो हम लोग basic science and engineering drawing में हम लोग बात कर रहे हैं mass, weight and density का। अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी दें। अगर आपने ज्वाइन बटन अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन भी क्लिक कर दें और ज्वाइन बटन दिख रहा है तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जो भी वीडियो प्रीमियम होगा आप उसको देख लीजिएगा। चलिए जी, बात करते हैं हम लोग जी का मान। अलग अलग स्टडी किए थे जी, तो केस थर्ड में हमने स्टडी किया था कि पृथ्वी के घूर्णन के गति के कारण जो चेंज होता है उसको हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्रुव पे। देखिए अब जो उसकी घूर्णन की गति के कारण जो जो चेंज हो रहा है गुरुत्वीय त्वरण में उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे जी। तो बोल रहा है कि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पे। देखिए अगर बात की जाए तो डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम है जी, इसमें क्या है बोल रहा है कि हमारा जो है एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है। तो आप वो अगर झूले याद हो, ऐसे वाले झूले जो आते हैं गोल वाले, उस पर मान लीजिए इस एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या करता है, रोटेट करता रहता है, यहाँ पे फिक्स रहता है और ये घूमता रहता है। कोई यहाँ पे बैठा रहता है, कोई यहाँ पे बैठा रहता है, कोई यहाँ पे बैठा रहता है, ठीक है जी। और ऐसे घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है। तो याद कीजिए वो वाले झूले पे, ठीक है जी। उस वाले झूले को अगर आप रिमेम्बर कीजिएगा तो याद रखिए इस वाले व्यक्ति को क्या होता है, कोई भी फोर्स नहीं लगता। इस वाले व्यक्ति को क्या होता है, ये थोड़ा सा इधर फोर्स लगता है, इसको और भी ज्यादा, इसको और भी ज्यादा लगता है। तो इस तरह आप फील कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे है, यहाँ पे जो अगर ये विषुवत रेखा है, इस ऐसा सर्कल बनेगा, यहाँ पे ऐसा सर्कल बनेगा, यहाँ पे ऐसा सर्कल बनेगा। तो यहाँ वाले को ज्यादा फोर्स क्या रहेगा, बाहर की तरफ फेंक रहा होगा, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे भी कम, यहाँ पे जीरो, क्योंकि इसी के एक्सिस पास हो रहा है। तो वही लिख रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जी मैक्सिमम होता है, यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ ज्यादा फेंकेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो जी अंदर की तरफ खींचने वाला बल है। जी क्या है जी, गुरुत्वाकर्षण है, बल इसी से डिसाइड होगा, फोर्स क्या डिसाइड होगा, एम जी। अगर ये जी ज्यादा होगा तो क्या होगा, बल ज्यादा होगा। तो यहां से देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, बाहर की तरफ बल लग रहा है, इसमें बाहर की तरफ लग रहा है, इसमें सबसे ज्यादा बाहर की तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे कम अंदर की तरफ बल लगेगा ना, क्योंकि ये एम जी तो फिक्स है, उसमें से माइनस होगा ही। तो वही सब डिस्कस कर रखा है, इसमें पॉइंट लिख रखा है जी। बोल रहा है ध्रुव पे गुरुत्वीय त्वरण मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है जी, अधिक होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने में गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, देखिए अब यहां से यहां जाएंगे तो बढ़ेगा और यहां से यहां आएंगे तो क्या होगा, घटेगा। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण मान बढ़ता है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर गुरुत्वीय मान घटता है। पृथ्वी की गति तेज या धीमी कर देने पर ध्रुव का गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता। देखिए पृथ्वी की गति तेज या धीमी कर देने पर ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण, देखिए अब यहां पे मैंने बोला कि इसका कोई असर ही नहीं पड़ता है जी, कोई एक्सिस का असर ही नहीं पड़ता है। तो तेज रोटेट करे या ज्यादा रोटेट करे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पे फर्क पड़ेगा। तो वही बात लिखा हुआ है कि पृथ्वी की गति तेज कर देने पर विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। विषुवत रेखा पर तो घट जाएगा, लेकिन एक्सिस पे यानी ई पोल पे क्या होगा, अक्ष पे कुछ भी नहीं होगा जी। तो पृथ्वी की गति का मान कम कर देने पर विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। बोला है अगर पृथ्वी की गति कम कर दी जाएगा, गति कम कर दी जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, बाहर की तरफ कम फेंकेगा तो कम क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ कम फेंकेगा तो कम माइनस होगा, तो अंदर की तरफ क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगेगा। तो वही बोला यदि पृथ्वी की गति कम कर दिया तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा, पहले के कंपेयर में क्या हो जाएगा जी, अब बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी की वायुमंडल को हटा दिया जाए, यदि पृथ्वी के वायुमंडल को हटा दिया जाए तो दिन की अवधि घट जाएगी। देखिए पृथ्वी में बोल रहा है वायुमंडल को हटा दिया जाए दिन की अवधि घट जाएगी। चलिए एक पॉइंट लगता है छूट गया। यदि पृथ्वी की गति तेज कर देने पर विषुवत रेखा गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है और 17 गुना से अधिक कर देने पर विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। अगर यही अभी जो जिस स्पीड से रोटेट कर रही है अगर उसके 17 गुना रोटेट करने लगे तो क्या हो जाएगा जी, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो होगा वो फील करेगा कि क्या है जी, उस पर कोई बल नहीं लग रहा हो, क्या हो जाएगा, ग्रेविटी क्या हो जाएगा, उस पर लग रहा होगा कि जैसे स्पेस में मूव कर रहा है, उसके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। अगर 17 गुना अभी जितना नाचती है जिस स्पीड से अर्थ, अगर उससे 17 गुना अगर नाचेगी तो ये कंडीशन होगा जी। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, उस सब पॉइंट को याद रखिएगा। यदि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो दिन की अवधि घट जाएगी। बोला है पृथ्वी को अगर वायुमंडल से हटा जाएगा तो दिन की अवधि क्या होगी जी, घट जाएगी, यानी रात का समय क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा।
आराम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। चलिए जी, ये कोई ट्रिक है इनका, उस ट्रिक को याद करने से बढ़िया है कि नहीं याद करें। चलिए जी, अब बात कीजिए इसमें जीरो होता है। हमने कंसेप्ट पढ़ा था यहाँ पे क्या होता है जीरो होता है, यहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम होता है। यहाँ पे विषुवत रेखा पे क्या होता है जी, घट जाता है। इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ते। इधर से अगर इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा जी, जी का मान बढ़ेगा। इधर से आएंगे तो क्या हो जाएगा, घटेगा। इधर से इधर जाएंगे तो फिर से क्या होगा, विषुवत रेखा से तो जी बढ़ेगा। इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटेगा। देखिए जी, ये क्या है, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा दोनों जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ये समझ सकते हैं, ये विषुवत रेखा है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन विषुवत रेखा है, ये ध्रुव है दोनों। तो ये क्या होता है, जीरो होता है। इधर हाइट पे जाने पे क्या होता है, जी का मान घटता है। इधर नीचे आने पे क्या होता है, जी का मान अंदर पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, जी का मान घटेगा। अब ये मेरा अभी जी का मान अभी क्लियर हुआ है जी। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान का क्या होता है, 1/6 भाग होता है। देखिये कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिये अगर मान लीजिए पृथ्वी पे, पृथ्वी पे किसी को अगर 600 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो चंद्रमा पे जाके क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा, यानी चंद्रमा पे कम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए 600 न्यूटन का फोर्स अगर चंद्रमा पे लग रहा है यानी मून पे लग रहा है तो अर्थ पे आकर वो क्या हो जाएगा, 3600 न्यूटन हो जाएगा। अर्थ पे क्या हो जाएगा, 6 गुना ज्यादा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बार बार गलती कर रहे हैं लोग। आपको ग्रुप डी में बहुत सारे लड़के ने क्या किया था, एक क्वेश्चन गलती किया है जी, और उस बहुत छोटी छोटी गलती थी जिसमें क्या किया गया है, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जो भी रट रहे हैं उनको दिक्कत होगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी रट रहे हैं ग्रुप डी का पेपर, अब समझिए जिनसे रटने से दिक्कत हो सकती है, तो ALP का तो प्रॉब्लम होगा ही ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंसेप्चुअली पढ़िए, कंसेप्चुअली इसको समझिए जी। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी के गुरुत्वीय त्वरण का मान का 1/6 होता है। चंद्रमा पे कम होता है, पृथ्वी पे क्या होती है, ज्यादा होती है जी। तो अब चंद्रमा पे करना होगा, अगर पृथ्वी से लाना होगा चंद्रमा पे तो 6 से भाग दीजिएगा, अगर चंद्रमा से पृथ्वी जाना है तो पृथ्वी पे ज्यादा होगा तो 6 से गुना कर लीजिएगा, ठीक है जी। बस इतना कंसेप्ट याद रखिए। बोला पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का पृथ्वी के मान का 1/4 भाग हो जाएगा। बोला है क्वेश्चन, बोला है पृथ्वी सतह से, यानी पृथ्वी की सतह है इसे कितनी ऊंचाई पर जाए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाए, जो पहले था, यानी g डैश क्या हो जाए जी, जो अभी नया मान लीजिए यहाँ पे g डैश है, यहाँ पे g है, तो ये क्या हो जाए, बोला यहाँ पे अगर g था तो यहाँ पे g डैश हुआ, ये क्या हो जाए, ये g/4 हो जाए जी। तो चलिए g का फॉर्मूला पहले लिखते हैं, g बराबर क्या होता है, यहाँ पे चाहिए जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, gm/r² क्या है जी, रेडियस ऑफ अर्थ लिया है, ये मास लिया अर्थ, ठीक है। अगर h ऊंचाई पे जाते हैं तो g- ले लेते हैं जी, g- क्या हो जाएगा, gm/r² क्या हो जाएगा, r+height, ये भी r है जी, r+height² ठीक है जी। अब ये बोला है g- क्या हो जाएगा, g/d² हो जाए, इसको भागा देते हैं जी, g- / g भागा दे देते हैं, क्या हो जाएगा, g- का फॉर्मूला क्या था, gm/r+h² ये क्या था, gm/r², g कैंसिल, mm कैंसिल, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमको दिया है कि g- क्या हो जाएगा जी, g- क्या हो जाएगा, g/4 हो जाएगा। तो g बराबर क्या लिख देख सकते हैं, g को लिख देंगे g/4 और ये g कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमको r² / r+h² मिला, ठीक है जी। तो देखिए 1/4 बराबर r/r+h का हम पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं जी, कि अगर स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर क्या है 1/2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं जी। तो इस दोनों को देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, r+r+h, यानी दोनों तरफ रूट स्क्वायर ले लिए, दोनों तरफ क्या लीजिए, रूट स्क्वायर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो r+h = 2r, तो r इधर जाएगा तो r 2r - r = h, यानी h क्या निकला जी, r, यानी h की वैल्यू क्या हो जाएगी, r। बोल रहा है कि अगर अर्थ से आप अगर r दूरी पर जाइएगा, h नहीं, h से मैंने अर्थ से अगर h ऊंचाई पे जाइएगा, h मतलब r ऊंचाई पे जाइएगा तो क्या हो जाएगा, g का मान 1/4 भाग हो जाएगा जी। तो r का देखिए, आर क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, तो 6400 किलोमीटर होता है। इस बात को याद रखिएगा, कहीं दिया भी हो सकता है, कहीं ना दिया भी हो सकता है, ठीक है ना, उसको अप्रोक्स आप लोग 6400 किलोमीटर याद रखिएगा। तो देखिए इसमें इसने सॉल्व करके क्या लिया है, आर बराबर एच लाया है, और एच की वैल्यू 6400 किलोमीटर है जी, क्या है, किलोमीटर है।
तो किलोमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मीटर नहीं लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा यूनिट का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस होता है इसमें, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यूनिट वगैरह पे ध्यान दें। छोटी छोटी बातें बहुत आपको कैलकुलेशन आसान कर देगी। बोला है कितनी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह से गुरुत्वीय त्वरण का मान का आधा हो जाएगा। अब देखिए, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, पृथ्वी के हम लोग कहाँ गए थे, ऊपर गए थे जी। अब बोला है पृथ्वी के अंदर कितनी गहराई पर जाएंगे कि उसका मान क्या हो जाएगा जी, आधा हो जाएगा। तो जी डैश का फॉर्मूला था, जी डैश बराबर जी इंटू वन माइनस डी अपॉन आर। इस फॉर्मूला को याद रखिए जाए, जी डैश बराबर जी इंटू वन माइनस डी अपॉन आर। डी क्या है जी, डेप्थ है, आर क्या है, रेडियस है। बोला है गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाए जी, आधा हो जाए, यानी जी डैश क्या हो जाएगा, जी बाय टू हो जाए, वन माइनस डी अपॉन आर। हमको यहां से डी निकालना है, जी जी कैंसिल हो जाएगा, आधा बराबर एक माइनस डी अपॉन आर, डी अपॉन आर को इधर लेते हैं, वन माइनस हाफ, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन आर बराबर हाफ, तो डी बराबर क्या हो जाएगा जी, आर बाई टू। यानी हम आर बाई टू अगर हाइट जिस डेप्थ में जाएंगे, यानी अर्थ के अंदर अगर हम आर, ये जिसे आर है, यहां से यहां तक आर है, यहां आर बाई टू है जी, आर बाई टू यहां से चलेंगे आर बाई टू तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जी का मान क्या हो जाएगा जी, तो आधा हो जाएगा। ये बात बोल रहा, तो आर का मान 6400 होता है, तो 6400 बता दो करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3200 किलोमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा जी, किलोमीटर लिखना अनिवार्य है। चलिए आगे बोल रहा है कि अभी हमने बात किया था कि फिजिक्स में जो है मास और भार, मास मतलब क्या होता है जी, मास एंड वेट, या द्रव्यमान और भार क्या होता है, अलग अलग चीज होती है, इस बात को याद रखिएगा जी। भार का मतलब याद रखिए क्या है, फोर्स है, भार का मतलब क्या है जी, फोर्स है, और मास का मतलब क्या होता है, मटेरियल है, मास का मतलब क्या है जी, मटेरियल है, उसके अंदर क्या है जी, पदार्थ है, इस बात को याद रखिए, और इससे कंसेप्ट मेरा पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे द्रव्यमान को एम से सूचित करते हैं और भार को डब्ल्यू से सूचित करते हैं, यानी वेट, वेट मैंने क्या जी, फोर्स एक तरह का है, तो भार वेट बराबर क्या हो जाएगा, एम जी, एम जी क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है जी। यहाँ देखिए द्रव्यमान कैसे मात्रक क्या होता है, केजी होता है, द्रव्यमान को पूरा ब्रह्मांड में नहीं बदल सकता, द्रव्यमान का कहीं भी जाइएगा तो द्रव्यमान वहीं रहेगा जी, लेकिन भार क्या होगा, चेंज होगा, फोर्स क्या होगा, चेंज होगा, फोर्स हर जगह अलग अलग चेंज होगा, क्योंकि क्या होगा जी, वहां पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हर जगह अलग अलग हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, भार बदलता रहेगा। तो भार का मान अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, जी का मान चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, भार का मान चेंज हो जाएगा जी। यहीं पे डिफरेंस आता है, इसी बात को समझने की जरूरत थी जी। आगे बढ़ते हैं, अब है लिफ्ट की मोशन। देखिए जी, मास में ही हम लोग अभी चल रहे हैं, मास वेस डेंसिटी चैप्टर में ही हम लोग अब लिफ्ट पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, लिफ्ट को समझेंगे। लिफ्ट में क्या होता है, मैं ऐसे जनरली अगर डिस्कस किया जाए तो, अगर आपने लिफ्ट पे चढ़ा हुआ तो आप लोग फील कर रहे होंगे लिफ्ट जैसे, अगर मान लीजिए लिफ्ट स्टार्ट होता है, और लिफ्ट स्टार्ट होता है और उस पर आप चढ़ते हैं जी, पहली चढ़ते हैं तो लिफ्ट को क्या करेगा, पहले ऊपर की तरफ पुल किया जाएगा, तो यानी जब लिफ्ट जीरो था, वेलोसिटी, अब वेलोसिटी बढ़ा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है जी, ऊपर की तरफ है, समझिएगा इस बात को, एक्सेलरेशन क्या है जी, ऊपर की तरफ है। मैं सारे ये जो भी इसमें लिखा है एक ही बार समझाने की कोशिश करूंगा जी आपको, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्या है जी, यहाँ पे लिफ्ट स्टार्ट हुआ, पहला केस लिफ्ट स्टार्ट हुआ तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि पहले वेलोसिटी जीरो, तब कुछ वेलोसिटी बढ़ा, तो लिफ्ट जैसे ही स्टार्ट हुआ तो आप लोग फील करेंगे कि आपका वजन क्या हुआ जी, बढ़ा, वजन बढ़ा, तो वजन बढ़ा, इसका मतलब कुछ ना कुछ एमजी जो आपका वेट होगा, वेट मतलब क्या होता है, भार होता है, तो एमजी जो पहले था अब उसमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, वो क्या हुआ है, एमए हुआ है। चलिए ये कब क्या ऐड हुआ है तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना कंफर्म है कि कुछ ना कुछ ऐड हुआ है जी, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जब भी लिफ्ट में चढ़िएगा तो पहले आप लोग को लगता है कि जैसे लिफ्ट उठती है तो लगता है कि आप लोग क्या हो रहा है, कुछ भारी फील कर रहे हैं, भारी फील क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका वजन वहां पे बढ़ा हुआ महसूस होता है। चलिए यहाँ पे एक केस हुआ, और यही लिफ्ट आगे चलती है, अब क्या है जी, मान लीजिए यहाँ लिफ्ट को यहां तक जाना है, तो लिफ्ट यहां तक क्या होगी, अब कुछ स्पीड बढ़ जाता है, उसके बाद क्या होता है, स्पीड कॉन्स्टेंट हो जाता है, क्या चाहिए, स्पीड क्या होती है जी, कॉन्स्टेंट हो जाती है, अब उसके बाद स्पीड क्या होता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है यहां से यहाँ, तो यहाँ पे आप नॉर्मल फील कर रहे हैं, यहाँ पे क्या फील करेंगे जी, आपका वेट क्या रहेगा, एम जी रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी है कुछ है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है जी, जीरो है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिटार्डेशन मिलेगा ना, वेलोसिटी कुछ है, कुछ वेलोसिटी जीरो हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, मंदन मिलेगा, क्या जी, मंदन या रिटार्डेशन, रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन, ठीक है जी, तो मंदन मिलेगा, तो इससे क्या होता है, आपको लगता है कि क्या है जी, आपका वजन घट गया, आपका वजन क्या हुआ जी, घट गया, तो घटा क्या, एमजी
माइनस एम ए। ठीक है जी, तो यहां पे आपका घट जाता है, यहां पे क्या होता है बढ़ जाता है, यहां पे क्या होता है वहीं रहता है। तो देखिए लिफ्ट में हमने तीन केस किया, जो लिफ्ट स्टार्ट हो रहा है लिफ्ट, चलिए जी हमने लिफ्ट का अगर एक्सेलरेशन, अभी हो सकता है कि ये भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाए, यहां भी चेंज हो जाए, तो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का जो चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग भी क्या हो जाएगा जी, ये प्लस माइनस चेंज हो जाएगा जी। हमने इतना समझाया, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इस वीडियो को 2 मिनट 4 मिनट बैक जाइएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ डिस्कस करते हैं। बोल रहा है लिफ्ट पर सवार व्यक्ति का द्रव्यमान, देखिए जी ये लिफ्ट है, यहाँ पे एक फिगर बना रखा है जी, ये लिफ्ट है ठीक है, इसमें मास एम दिया है, इसको जी एक्सेलरेशन होगा जी। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ, जैसे ये मशीन है वो क्या होगा ए एक्सेलरेशन से क्या करेगी, इस कोई फोर्स लगाएगी जिससे क्या हो जाएगा इस लिफ्ट को ए एक्सेलरेशन से खींचा जाएगा, यहाँ पुली लगा रखा है उस सिस्टम से क्या फोर्स लगा के खींचा जाएगा जिससे क्या मिलेगा इसको एक्सेलरेशन मिलेगा जी। वही बोला है लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान क्या है जी एम है, और लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार क्या है डब्ल्यू है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है जी जी है, मशीन का त्वरण, मशीन को ऊपर त्वरण कितना मिला है जी ए मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिफ्ट की गति का समीकरण वेट बराबर एम जी प्लस एम माइनस एम, अब कब प्लस होगा कब माइनस होगा यह समझना है। तो केस एक लेते हैं, जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जा रहा है, लिफ्ट क्या है जी समान वेग से कहाँ जा रहा है ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है ये बता, तो लिफ्ट की मोशन की बात करेंगे। देखिए इसी को बना रखा है, बोला है जब लिफ्ट एक समान वेग से जा रहा है, देखिए अगर लिफ्ट समान वेग से जा रहा है तो क्या होगा जी, यानी एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ए है यही एक्सेलरेशन है, तो इसको क्या करेंगे ए को जीरो रख देंगे तो क्या मिलेगा, ए को जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा एम जी, तो वेट बराबर क्या हो जाएगा एम जी। तो इस स्थिति में भार अपरिवर्तित रहेगा, इस स्थिति में क्या रहेगा जी भार अपरिवर्तित रहेगा। केस दूसरा लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं जिसमें क्या है जी एक्सेलरेशन जीरो है, तो वेट बराबर क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन सॉरी समान वेग से जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन जीरो था तो एम जी हो गया वेट। दूसरा केस लेते हैं जाए क्या किया है एक समान वेग से ऊपर, अच्छा देखिए समान वेग से ऊपर जाए या नीचे जाए एक्सेलरेशन क्या होगा जी हमेशा ही जीरो होगा, तो दोनों केस में क्या है एक्सेलरेशन जीरो है। तीसरा केस लेते हैं जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की जा और जा रही, इसका मतलब क्या है जी अब लिफ्ट पे हम अभी अभी चढ़े हैं और क्या रहा है त्वरण ऊपर की तरफ हो रहा है, तो मास कैसा होगा बढ़ा हुआ फील होगा ना, तो देखिए तो ए देखिए एम जी प्लस एम में, एम जी प्लस एम में तो क्या हो जाएगा बढ़ा हुआ फील होगा तो प्लस रखेंगे। चलिए लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे की तरफ जा रही है, अब त्वरण किधर है जी नीचे की तरफ है, देखिए यानी कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट हुए थे लिफ्ट से, उसके बाद समान वेग से गए थे, उसके बाद ऊपर गए थे फिर से जीरो हो गया था, अब क्या होगा अगर ऊपर लिफ्ट है तो ऊपर की तरफ से स्टार्ट करेगी तो त्वरण किधर हो जाएगा नीचे हो जाएगा, फिर से समान वेग से आएगी, समान वेग से आएगी फिर से क्या हो जाएगा जी अब ऊपर की तरफ त्वरण हो जाएगा जिससे क्या हो जाएगा फाइनली लिफ्ट क्या होगी रुक जाएगी। तो बात देखिए यही बोला कि त्वरण नीचे की ओर हो, तो ए वाला केस में बोला त्वरण नीचे की ओर होगा तो क्या हो जाएगा जब लिफ्ट समान वेग से त्वरण नीचे की तरफ जा रही है तो क्या हो जाएगा जी त्वरण नीचे की तरफ जा रही है तो ए क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ए माइनस में हो जाएगा तो वेट क्या हो जाएगा हल्का हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है जब लिफ्ट एक रस्सी टूट जाए, अब रस्सी टूट जाए इसका मतलब क्या है जी अगर फुल्ली रस्सी टूट गया, मान लीजिए ये लिफ्ट है इस लिफ्ट का अगर रस्सी टूट जाएगा, इस लिफ्ट का अगर रस्सी टूट गया इसका मतलब क्या है जी इस पे जो भी ग्रेविटेशन जो भी फोर्स लगा रहा होगा उसी से जा रहा होगा और उतने त्वरण से जा रहा होगा। तो अब देखिए जी अब बोल रहा है कि अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा एम जी माइनस जी, तो क्या हो जाएगा जी माइनस जी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जी रहेगा, माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वो भार क्या करेगा जैसे कूदता है आदमी कोई ऊपर से छलांग लगाता है तो क्या होता है उसका भार क्या होता है जी शून्य हो जाता है, वही बात केस कर रहा है। अगर मान लीजिए ए ग्रेटर देन जी हो तो लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा हो, देखिए जी अगर ए क्या हो देखिए अब इस फॉर्मूले में हमने सब बना लिया सारे केस को डिस्कस कीजिए। चलिए जी आगे बोला है कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो एम जी माइनस ए है, अब बोला है कि ए ग्रेटर देन जीरो है तो देखिए जी माइनस ए क्या हो जाएगा ए ग्रेटर देन जीरो है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या है जी वेट क्या लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, इस स्थिति में लिफ्ट के सवार व्यक्ति लिफ्ट की छत से लिफ्ट के क्या हो जाएगा छत से जाकर सट जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा क्योंकि देखिए लिफ्ट तो नीचे आ रहा है ऊपर क्या करेगा नीचे लिफ्ट आ रही है लेकिन आदमी क्या करेगा ऊपर ऊपर उसको फोर्स लगाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ छत पर क्या हो जाएगा जाके उसका हेड टकरा जाएगा। देखिए कंडीशन क्या हो रहा है उसका ऊपर हेड जाके टकरा जाएगा जी, तो इसमें क्या हो जाएगा उस पर चोट लगने की क्या ज्यादा से संभावना है। आपको हॉलीवुड के बहुत सारे मूवी में आपने देखा होगा कि क्या जी वहां पे चोरी करते वक्त इस यही भी यूज करते हैं जिससे क्या होता है बहुत सारी मूवी में दिखा रखता है कि ऊपर वो लोग क्या होता है मरने के समय क्या होता है ऊपर मरते हैं जी न कि नीचे मरते हैं, तो लिफ्ट में ऊपर मरते हैं यही सब रीजन है जी। बोला है कि अगला क्वेश्चन दिया है
एम द्रव्यमान का व्यक्ति त्वरण के साथ लिफ्ट में जा रहा है तो उस व्यक्ति पर भार क्या होगा। देखिए एम द्रव्यमान का व्यक्ति त्वरण के साथ लिफ्ट पर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसका व्यक्ति का त्वरण क्या होगा यहाँ बताना है जी। तो देखिए अलग अलग केस में अलग अलग है जी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये वाला प्लस वाला हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी की तरफ आते हैं। क्या जी, डेंसिटी की तरफ। तो मैं डेंसिटी के बारे में बताना चाहूंगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है जी, नहीं डेंसिटी, अच्छा अभी अभी डेंसिटी से पहले डिस्कस करने से पहले हम लोग मैटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैटर कितने तरह की होती है, तो मैटर पांच तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं। क्या होती है मैटर के, क्या होते हैं तीन पोजीशन होता है। क्या होती है, सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन बात की जाए अभी नए नए डिस्कवरी में भी क्या है जी, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट हुआ जी। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट प्लाज्मा चौथा है, बोस आइंस्टीन कंडेंस क्या जी पांचवा स्टेट है। तो हमने मैटर के, अगर आपको ये बता दूं मैं कि कभी कहीं तो आपको तीन ही स्टेट लेता है, कहीं कहीं पांच ही लेता है। वो ऑप्शन देखने से हमको पता चलेगा कि हमको पांचों लेना है या तीन ही लेना है। तो इस बात को जानने के लिए हम लोग ऑप्शन पे ध्यान देंगे जी। अगर उसमें पूछता है कि मैटर का पांचवा स्टेट कौन सा है, तो हमको बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट ही लगाना, क्योंकि हम वहां पे जानते हैं कि पांचवा स्टेट क्या है जी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठोस द्रव गैस के अलावा भी पदार्थ में दो अवस्थाएं होती है, ठीक है ना जी। ये बेसिक अवस्थाएं, ये क्या होता है, दो एक्स्ट्रा अवस्थाएं, जिसे हमने यूनिट एंड डायमेंशन में क्या होता है मूल पढ़ा था, और उसमें क्या होता है डिराइव भी पढ़ा था। तो वैसा ही कुछ है जी, बाद में डिस्कवरी होते रहते हैं तो आगे आगे आपको बहुत सारे ऐसे चीज जुड़ते जाते हैं जी। बात करते हैं कि वस्तु है क्या, तो जो स्थान घेरती है जिसमें मास होता है, ये सब क्या है, ये तो बहुत बेसिक फंडामेंटल है। यहाँ पे मैं बता दूं डेफिनेशन से आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, जो कंसेप्चुअल चीज है उसी चीज को पढ़िए, नहीं तो डेफिनेशन याद करने के चक्कर में आपको बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। अब बोल रहे हैं प्लाज्मा स्टेट कौन सा होता है, तो प्लाज्मा स्टेट के बारे में बोल रहा है। तो ये क्या है, चौथी स्टेट है। अभी तो तीन स्टेट डिस्कवर होता है, चौथी यही डिस्कवर हुआ। प्लाज्मा अवस्था में तापमान लगभग बता रहा है कि 20,000 क्या होता है डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर की बात कर रहा है। प्लाज्मा अवस्था एक आयनित अवस्था है, क्या होती है जी, इसमें आयनित अवस्था है। प्लाज्मा प्राय आंतरिक अवस्था, इंटर स्टेलर स्पेस विसर्जन, नलिका, नाभिकीय रिएक्टर, तारों के वायुमंडल में इत्यादि पे पाए जाते हैं। क्या है जी, बहुत जहां हाई टेम्परेचर होता है वहां पे पाया जाएगा। सूर्य तारों के ऊर्जा चालक चमक प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। बोला है सूर्य तारों में जो होती है जी, किसके होते हैं, तो चमक प्लाज्मा की अवस्था के कारण होती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन क्या है जी, तो फिफ्थ स्टेट है। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। इसमें सत्येंद्रनाथ बोस ने पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की थी। कौन किया था जी, तो सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी। यह अवस्था प्राप्त करने के लिए सन 2001 में कॉर्नेल ने ली मैन कैंटेनर ने नोबेल पुरस्कार दिया गया था जी। किसको दिया गया था, कॉर्नेल और ली मैन को दिया गया था जी। द्रव्यमान के सामान्य गुण, अब बातें द्रव्यमान के बहुत सारे गुण होते हैं, वो सब हम लोग गुण पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं, प्रेशर है, टेम्परेचर है, दाब है, जो भी है, तो हम लोग इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और मैं बता दूं कि इस वीडियो को मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, क्योंकि ये बहुत वीडियो कंसेप्चुअल है। मास वेट डेंसिटी में जो आपको लिफ्ट वाला प्रॉब्लम बताया हूं, चाहे जो ग्रेविटेशन वाला बताया हूं, उस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें और मेरे चैनल का पार्ट बने। तो मैं बता दूं कि मेरा चैनल जो जीनियस स्टडी है जी, वो नया चैनल स्टार्ट हो गया है। उस चैनल को आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने आइकन जो बटन है उसको भी दबा दें, जिससे कि आपको सब नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हुआ है जिससे बहुत सारे लड़कों को मैसेज आ रहा है कि सर आप वीडियो चैनल नहीं डाल रहे हैं। मैं बता देना चाहूंगा, मैं डेली ही वीडियो डाल रहा हूं, लेकिन चैनल पे वीडियो मैंने चेंज कर दिया है। उस चैनल पे मैं क्या करूँ, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग वहां पे जाएं और उसको देखें जी। जीनियर स्टडी पे मैं सारी वीडियो अपलोड करूंगा। तो आपको जीनियर स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच।